जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। मेरी दादी माँ मुझे पुराने जमाने की कहानियां सुनाया करती थी, जब शांति थी, जब अवतार संतुलन बनाए रखता था जल कपिला, भूमि राज्य, अग्नि देश और वायु समाज में। ये सब बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता, केवल वही अग्नि देश के इस पागलपन को रोक सकता था, पर जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बीत चुके हैं और अग्निदेश अब युद्ध में जीत के कगार पर है। 2 साल पहले मेरे पिता और हमारे कबीले के बाकी पुरुष उन्हीं राज्य में गए अग्निदेश का मुकाबला करने, और मेरे भाई और मुझ पर कबीले की पूरी जिम्मेदारी आ गई। कुछ लोग मानते हैं कि अवतार वायु समाज में जन्मा ही नहीं, वो चक्र टूट चुका है, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी। मुझे विश्वास है कि अवतार दुनिया को बचाने जरूर आएगा। इस बार ये मुझसे बचकर नहीं जा सकती। देखो और सीखो कटारा, ऐसे पकड़ी जाती है मछली। सोका, जरा देखो तो। शोर मत करो कटारा, तुम इसे भगा दोगी। मुझे तो अभी से इसके पकने की खुशबू आ रही है। पर सोका, मैंने भी एक पकड़ी। क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों होता है कि जब भी तुम पानी से जादू करती हो तो मैं ही भीग जाता हूँ? ये जादू नहीं है, ये जल को सिद्ध करना है और इसे... हाँ हाँ, हमारी संस्कृति की एक प्राचीन कला वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे बस ये कहना है कि अगर तुम्हारे पास कुछ अजीब शक्तियाँ हैं तो उन्हें अपने पास रखो। तुम मुझे अजीब कह रहे हो? मैं तुम्हारी तरह पानी में खुद की परछाई देख कर मुठिया तान नहीं लेती। बाई कहते हो? तुम्हें मेरा चलाना पसंद नहीं है तो तुम वाटर बेंडिंग से हमें बर्फ से निकाल लेती। तो ये मेरी गलती है? मुझे तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था। लड़कियां कभी कोई काम ठीक से नहीं करती। तुम बिल्कुल जाहिल, बचकाने और अकड़ू हो। मुझे तो तुम्हारी बहन होने पर भी शर्म आती है। माँ के गुजर जाने के बाद से सारा काम मैं करती हूँ और तुम सिपाही सिपाही खेलते रहे हो। कटारा, मैं ही सारे कपड़े धोती हूँ। तुमने कभी अपने मोजों को सूंघ कर देखा है? पता है वो कितनी ज्यादा बदबूदार है। कटारा, गुस्सा मत हो। नहीं, अब बस हुआ, बहुत कर ली मैंने तुम्हारी मदद। अब से तुम अकेले ही अपने आप को संभालो। जानती हो, तुम सनकी तो थी, अब पागल भी हो गई हो कटारा। तुम्हारे कहने का मतलब मैंने ये किया? हाँ, मुबारक हो तुम्हें। कटारा, वापस आ जाओ, हमें पता नहीं वो क्या है।
चाचा, क्या आप समझते हैं इसका मतलब? हाँ, ये खेल भी अधूरा रहेगा। इसका मतलब है कि मेरी खोज अब पूरी होने वाली है। वो रोशनी एक बहुत ही शक्तिशाली जरिए से आ रही थी, ये वो ही हो सकता है। हो सकता है आसमानी रोशनी हो, हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं राजकुमार सुको। मैं नहीं चाहता कि तुम खामखा उत्तेजित हो। जरा बैठ जाओ, आराम से बैठकर थोड़ी जास्मीन चाय पीकर शांत हो जाओ। मुझे चाय पीकर शांत नहीं होना, मुझे बस अवतार को ढूंढ निकालना है। नाविको, उस रोशनी की तरफ चलो। मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो क्या? पहले मेरे करीब आइए। कुछ खास बात है क्या? हम दोनों पेंगुइन के साथ खेलने चले? क्यों नहीं, मेरे ख्याल से। क्या हो रहा है? पहले तुम हमें बताओ कि तुम बर्फ के अंदर कैसे गए और उसके अंदर तुम जमे भी नहीं। मुझे पता नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? अब उठ भी जाओ। ये हुई ना बात। आखिर ये क्या चीज है? ये आपा है, मेरा उड़ने वाला दोस्त। सही कहा, और ये है कटारा, मेरी उड़ने वाली बहन। घबराओ मत, ये साफ हो जाएगा। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हो? इसे कुछ मत बताना। तुमने देखा वो तेज रफ्तार वाली रोशनी? शायद वो फायर नेवी को इशारा कर रहा था। ओ हाँ, ये जरूर फायर नेवी का जासूस होगा। और ऐसा तुम्हें उसकी खूनी आँखों को देखकर लगा है ना? ये सौका है मेरा भाई, दिमाग थोड़ा कम है। पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं हुआंग। तुमने सिर्फ छींका था और 10 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गए। वाकई, मैं तो उससे भी ऊपर गया था। तुम तो एक एयर बेंडर हो। वो तो हूँ। तेज रफ्तार वाली रोशनी, उड़ने वाला दोस्त, एयर बेंडर्स, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखकर उठा था। मैं घर जा रहा हूँ जहाँ आम इंसान रहता। अगर आप लोग चाहे तो आप और मैं आपकी मदद कर सकते। हम जरूर आएंगे, शुक्रिया। रुक जाओ, मैं इस भेड़िए जैसे दिखने वाले शैतान की सवारी नहीं करूंगा। तो क्या तुम चाहते हो कि कोई दूसरा शैतान भेड़िया आए और तुम्हारी मदद करे, वो भी यहाँ बर्फ में अकड़कर मरने से पहले? ठीक है, पहली बार उड़ने वालों तैयार। आपा, यिप यिप। चलो आपा, यिप यिप। हैरत अंगेज, ये तो काफी मजेदार सफर है। आपा थक गया है, थोड़े आराम के बाद ये आसमान छूने लगेगा, तुम देखना। इस तरह मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा था। मैं तो जा रहा हूँ सोने। आदमी को आराम भी चाहिए। राजकुमार सुको, तुम भी सो जाओ। अगर तुम ठीक भी हो और अवतार जिंदा भी है
तो भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हारे पिता, दादा और तुम्हारे परदादा भी ऐसी कोशिश करके हार चुके हैं। क्योंकि अवतार का मिलना उनके लिए सम्मान का प्रश्न नहीं था, पर वो मेरे लिए है। वो कायर पिछले 100 साल से छुपा हुआ है। एंग, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि तुम एक एयरबेंडर हो, तो क्या तुम्हें पता है कि अवतार का क्या हुआ होगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मतलब कुछ लोगों को मालूम था उसके बारे में, पर अफसोस मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैंने बस यूं ही पूछा। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, सो जाओ। गांव में पहुंच गए हैं। चलो अब तुम तैयार हो जाओ, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। एंग, देखो ये है हमारा गांव। गांव वालों, ये है एंग। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपा ने मुझ पर नाक साफ की है? 100 सालों में तो किसी ने एयरबेंडर को नहीं देखा। हमें लगा कि उनकी नस्ल खत्म हो गई, मगर मेरे पोते पोती ने तुम्हें ढूंढ लिया। नस्ल खत्म? एंग, ये मेरी दादी माँ है। तुम मुझे दादी माँ कह सकते हो? ये क्या है हथियार? तुम्हें ऐसे किसी को मारने नहीं दिया जाएगा। ये मारने के लिए नहीं, एयर बेंडिंग के लिए है। जादू फिर से करो ना। जादू नहीं, एयर बेंडिंग। इससे मैं हवा का रुख अपने मुताबिक मोड़कर ऊपर उड़ सकता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, इंसान उड़ नहीं सकते। तो ये देखो। वॉच टावर। ये तो कमाल का था। वाह, तुम एक एयर बेंडर हो, कटारा वाटर बेंडर है। तुम दोनों दिन भर इस सब में अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो। तुम वाटर बेंडर हो? हाँ, थोड़ा बहुत अभी तो। ठीक है, अब खेल बंद। चलो कटारा, बहुत से काम निपटाने हैं। मैंने कहा था ना दादी माँ, उसके पास सिद्धि है। अब मुझे कोई सिखाने वाला तो मिला। कटारा, इस लड़के से ज्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन वो खास है, मुझे पता है। उसके पास वाकई असली ज्ञान है दादी माँ। देखा, अब मेरी जीभ में दही से टिप गई है। फिर से। नहीं, अग्नि सिद्धि की शक्ति शरीर से नहीं, सांस से मिलती है। सांस शरीर की शक्ति बन जाती है और ये शक्ति भुजाओं से गुजरते हुए हाथ बन जाती है। इस बार बिल्कुल ठीक करना। बहुत हुआ, मैं दिन भर बस इसी का अभ्यास करता रहता हूँ। मुझे आगे सिखाओ, मैं और नहीं रुक सकता। नहीं, तुम में सब्र नहीं है। तुम्हें पहले बुनियाद मजबूत करनी है, फिर से अभ्यास करो। साधु संत कहते हैं कि अवतार आखिरी एयर बेंडर है। अब तक तो वो 100 साल का हो चुका होगा। उसके पास एक सदी थी चारों तत्वों को सिद्ध करने के लिए, और मेरे पास सिर्फ फायर बेंडिंग के शुरुआती हुनर हैं। तुम मुझे इसकी गुण विद्या सिखाओ, समझे? ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना खाना तो पूरा खा लूं।
जांबाज हो। ये जरूरी है कि अगर तुम्हारा सामना किसी फायर बेंडर से हो तो तुम डरो नहीं। हम जल कबीले के लोग हैं, आखिरी दम तक हार नहीं मानते, और हिम्मत के बिना हम अपने आप को जांबाज कैसे कहेंगे। मुझे सुसु आया है। सुनो, तुम सबके पिता युद्ध में गए हुए हैं, उन्हें भरोसा दिलाना है कि तुम सब इस कबीले के जांबाज बनोगे। इसका मतलब सीखते समय सुसु वगैरह नहीं। बस सच में आया है। ठीक है, क्या और किसी को जाना है? तुमने एंग को देखा क्या? दादी माँ कह रही थी वो एक घंटे से गायब है। वाह, इसमें तो सब कुछ जम जाता है। कटारा, उसे यहाँ से बाहर भगाओ, ये सबक सिर्फ सैनिकों के लिए है। रोको, रोको इसे अभी। तुमको समझ नहीं आता क्या? क्या हम हंसी मजाक करते रहे जबकि युद्ध चल रहा है? कैसा युद्ध? तुम क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो है ना? वो मजाक कर रहा है ना? एंग, हे इधर आओ, चलो साथ में फिसले। मुझे ये अच्छे लगते हैं। अगर तुम मुझे वाटर बेंडिंग सिखाओ तो मैं पेंगुइन पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये मेरा वादा रहा, बस एक दिक्कत है कि मैं एक एयर बेंडर हूँ, वाटर बेंडर नहीं। क्या तुम्हारे कबीले में कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता? नहीं, पूरे दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई वाटर बेंडर है तो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। नहीं, वाटर बेंडर को पानी को वश में करना आना चाहिए। और उत्तरी ध्रुव पर, वहाँ पर कोई जल कबीला रहता होगा है ना? हो सकता है उनमें से कोई वाटर बेंडर तुम्हें सिखा सके। हो सकता है, लेकिन हमारा उनसे बहुत सालों से कोई संपर्क नहीं है। तुम तो जानते हो उत्तरी ध्रुव कोई पास तो है नहीं, दुनिया के दूसरे सिरे पर है। लेकिन तुम भूल गई, हमारे पास उड़ने वाला भैंसा है। आपा और मैं खुद तुम्हें उत्तरी ध्रुव पर ले चलेंगे। कटारा, हम जरूर तुम्हारे लिए गुरु खोजेंगे। सचमुच? मतलब मैं तो आज तक यहाँ से कभी बाहर गई ही नहीं। तो सोचो इस बारे में। लेकिन इस बीच क्या तुम मुझे पेंगुइन पकड़ना सिखा दोगी? ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे नन्हे शिष्य। पेंगुइन पकड़ना एक प्राचीन और पवित्र कला है। अब गौर से देखो। छोटी बच्ची थी तब ऐसा करती थी। तुम अब भी छोटी बच्ची हो। वो क्या है? फायर नेवी का जहाज जिससे हम लोगों की बुरी यादें जुड़ी हैं। एंग, रुको, हमें इसके पास जाने की इजाजत नहीं। तुम किसी जाल में फंस सकते हो। अगर सिद्धि लेनी है तो डर को छोड़ना होगा। दादी माँ छोटी थी तब से ये जहाज हमारे लिए बदकिस्मती बना हुआ है। इसका इस्तेमाल अग्निदेश ने अपने पहले हमले में किया था। बातें मत बनाओ, जानती हो मेरे दोस्त सारी दुनिया में हैं, यहाँ तक के अग्निदेश में भी। मैंने कभी कोई युद्ध नहीं देखा। एंग, तुम कब से उस बर्फ की शिला में कैद थे? कुछ पता नहीं, शायद कुछ दिनों से। मेरे ख्याल से 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या? हो ही नहीं सकता,
क्या मैं तुम्हें 112 साल का बूढ़ा लगता हूँ? सरस सोचो, युद्ध खत्म हुए एक सदी बीत गई, तुम्हें इसका कुछ पता नहीं क्योंकि तुम किसी तरह से उस बर्फ में कैद हो गए थे, यही तो वजह हो सकती है। 100 साल? विश्वास नहीं होता। मुझे माफ करना एंग, हो सकता है इसके पीछे भी कोई अच्छाई छिपी हो। हाँ, इस कारण तुमसे मिल पाया। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंग, चलो वापस चलो, ये जगह काफी डरावनी है। हाँ? वो तुमने जाल के बारे में क्या बात कही थी? कसकर पकड़ो। सबसे आखिरी एयरबेंडर अपनी उम्र के हिसाब से काफी छोटा है। चाचा को जगाओ, उनसे कहो मैंने अवतार को ढूंढ लिया है। और उसकी छिपने की जगह भी।